भी मैंने कभी नहीं देखा। अरे भ्रष्टाचार क्या है? अरे तुमको मालूम नहीं है? अरे छोड़ो इन बातों को, चलो हम लोग भी भ्रष्टाचार भगाते हैं। कम से कम टीवी में फोटो तो आएगा। अरे टीवी में फोटो आने से क्या मतलब? हमें पढ़ाई पर ना ध्यान देना चाहिए। छोड़ो इन बातों को, हमें भ्रष्टाचार से क्या मतलब? कभी कोई भाषण देता है तो कभी कोई जंतर मंतर पर जुलूस निकालता है। आम जनता को जुलूस से काफी परेशानी हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। जुलूस से सब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरे आज तुमने टीवी देखा है? हाँ, हमने टीवी भी देखा है और समाचार भी सुना है। टीवी में तो सिर्फ भ्रष्टाचार का ही खुलासा है। शीला, क्या तुमने आज टीवी देखा है? हाँ, हमने टीवी भी देखा है और टीवी में समाचार भी सुना है। ए सुनीता। हाँ। आज तुम टीवी देखती हो? हाँ, हम नशा करते वक्त टीवी देख के और समाचार भी सुने हैं, उसमें भ्रष्टाचार का ही खुलासा है। केवल टीवी देखने और समाचार सुनने से यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना होगा। हाँ, हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना होगा। भ्रष्टाचार मिटाने का यह गलत तरीका है, केवल नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला दोनों ही भ्रष्टाचार के दो पहलू हैं। इसलिए केवल नेता ही नहीं भ्रष्टाचार करता, वह भी भ्रष्टाचार का दोषी है जो घूस देता है। हमारे बड़े बड़े लोग जो शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी घूस देकर घोटाला करवाते हैं, वह भी दोषी है। अरे हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम स्टूडेंट्स को समाज में एक जागरूकता का अभियान चलाना आवश्यक है। केवल जुलूस से काम नहीं चलेगा, हमारी पढ़ाई किस काम आएगी? हाँ हाँ, हमारी पढ़ाई किस काम आएगी? तुम ठीक ही कहती हो। जब तक हम सब एक होकर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सामने नहीं आएंगे, तब तक भ्रष्टाचार की समस्या का हल नहीं निकलने वाला। हाँ हाँ, तुम सब ठीक ही कहती हो। हम सब एक साथ जुट होकर किसी तरह से लड़ाई में शामिल हो जाए। तुम लोग समझ रही हो ना? हाँ, हाँ, हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग अपनी लड़ाई को प्रभावशाली बनाएंगे और दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी अपने साथ जोड़ना होगा और एक मजबूत आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। नहीं तो हम लोगों के भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सीता, तुम समझ गई ना? हाँ हाँ, हम समझ गए। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम सभी यूनिवर्सिटी के चार दीवारों के बाहर निकल जाएंगे और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। उस समय अगर इसी तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। तुम लोग समझ रहे हो ना? हाँ, हम लोग समझ रहे हैं। और हम सभी का भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। हम लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है ताकि हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। हाँ, हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही होगा। हाँ, हाँ, लड़ना ही होगा। सरिता, तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हो।
चिंता क्यों करते हो? अरे अब ज्यादा मत सोचो, चलो घर जाओ। अरे ये लोग बोलते हैं चिंता ना करो, चिंता ना करो, हमारे गांव की सड़क की बुरी हालत है। अगर हमारी बहन मर जाती क्या आलू लाके दे देता? नहीं ना। बिजली सड़क और पानी हमें मिलता।
करके तो दिखाओ। गांधी ने कहा था जो कहते हो वो करके तो दिखाओ। गांधी ने कहा था जो कहते हो वो करके तो दिखाओ। भ्रष्टाचार किनारों से किनारों से क्या होगा क्या होगा यदि तुम खुद को नहीं बदलोगे। यदि तुम खुद को नहीं बदलोगे तो किस मुंह से इसके विरुद्ध बोलोगे। तो किस मुंह से इसके विरुद्ध बोलोगे। सानी धापा मगर सब सामने आ जाए। इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी इस इवेंट की चेयरपर्सन मिसेस नीलू वर्मा भी यहाँ पे आ जाए, तथा जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने में अपना हाथ दिया है वो भी आ जाए। पूजा कक्कड़, मिसेस नीलू वर्मा, खुशी का
सेवन प्लस को कोरियोग्राफ बाय पूजा कक्कर एंड ड्रेस वाज डिजाइन बाय चंचल पाठक. बस इस प्ले के तुरंत बाद हमारा गजल पेशकश है वो भारत दी.